देखो गाइस, मैं आज एग्जॉर्सिस्ट द बिलीवर देख के आया, या फिर द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर जो भी इसका टाइटल हो। थोड़े दिन पहले मैंने इसका ट्रेलर देखा था एंड मेरे को बहुत पसंद आया। और आज मैं मतलब ये मूवी तो कल आई थी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मैं उसको एक दिन बाद देखने पाया बिकॉज यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा का सीन हो गया था जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेरे ऊपर पुलिस केस भी हो सकता है। बट मेरे को कुछ दिनों से ना बहुत हॉरर मूवी देखने का बहुत शौक चढ़ा था। इविल डेड राइज जब से आया है तब से मैं हॉरर मूवी देखने के पीछे पड़ा हुआ हूँ। इविल डेड राइज भी मेरे को डरावना नहीं लगा, नन टू भी मेरे को डरावना नहीं लगा, और अभी जो एग्जॉर्सिस्ट द बिलीवर है ये भी उतना डरावना तो नहीं लगा। बट ये बाकी मूवीज के हिसाब से इविल डेड राइज और क्या नाम नन टू से इविल डेड राइज और नन टू से ये ज़्यादा अच्छी मूवी थी। क्यों मैं बताऊंगा, पर उससे पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। देखो, दो लड़कियां जो कि फ्रेंड्स थे जंगल में जाती है क्योंकि एक लड़की की माँ जो है वो उस पैदा होने से पहले ही मर गई थी, इसलिए वो जाती है। वो लोग एक रिचुअल करते हैं ताकि वो डेथ से बात कर सके, मतलब उस लड़की की माँ से बात कर सके, और वहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। ये दोनों लड़कियाँ 3 दिनों के लिए गायब हो जाती है। इनके माँ बाप खोजने में, एक जन का बाप और एक जन का माँ बाप इनको खोजने में पुलिस का सहारा लेते हैं, और 3 दिनों के बाद ये उनको मिल जाती है। और लड़कियों को कुछ याद नहीं रहता कि वो 3 दिनों के गायब थे, उनको लगता है बस एक रात की बात थी, और अजीबोगरीब चीज़ें होने शुरू हो जाती है। और ये ऑब्वियस हो जाता है कि ये किसी भूत प्रेत के साये में पड़ गई है। चर्च के लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स को कि ये भूत बाधा का सिचुएशन है और हमको एग्जोसिज्म करना पड़ेगा, जिसमें से एक लड़की का बाप जो रहता है, जिसकी मतलब माँ मर गई थी, वो बाप इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता क्योंकि उसने अपनी बीवी को आंखों के सामने खोते हुए देखा था, उसको मरते हुए देखा था, तो इसलिए वो जीसस क्राइस्ट मतलब रिलीजन्स के ऊपर बिलीव नहीं करता, वो एक नास्तिक बन चुका है। बट इवेंचुअली धीरे धीरे सिक्वेंस में आगे बढ़ते बढ़ते ये बंदा थोड़ा बिलीवर बनने लगता है, और इसलिए इस मूवी का नाम है एग्जॉर्सिस्ट द बिलीवर। अब देखो, स्टोरी को मैं 8 out of 10 दूंगा, विजुअल्स को मैं 7 out of 10 दूंगा, और इसके ही एलिमेंट्स को, एक्टिंग को मैं 9 out of 10 दूंगा क्योंकि इसमें इसके ही एलिमेंट्स एक्चुअली है। और इविल डेड राइज से ज़्यादा डरावनी है, नन टू से भी ज़्यादा डरावनी है, बिकॉज इसमें जो स्केरी एलिमेंट्स हम लोग देखने को मिला है ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है, जो कि आजकल की मूवी में हमको बहुत कम देखने को मिलता है। आजकल की हॉरर मूवीज़ में डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हमको कम देखने को मिलते हैं, डराने के नाम पे वो हमको अजीब हो गई जंप स्केयर दे देते हैं। और भूत का डिज़ाइन भी आजकल उतना खास नहीं है, हॉलीवुड वालों को मतलब ऑब्सेशन हो गया है ब्यूटीफुल घोस्ट को लेके। और एक फनी बात बताता हूँ, मैं जंप स्केयर के बारे में बात कर रहा हूँ और इस मूवी में एक भी जंप स्केयर नहीं है, मतलब जितने भी सीन्स है टेंशन बिल्ड करते हैं बट हमको डराते नहीं है। बट ये ना कहीं हमको साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है और ये हमको साइकोलॉजिकली डरावना लगता है, मतलब हम रिलेट कर सकते हैं कि रियल लाइफ में भी ऐसे ही होगा, मतलब हर 2 मिनट में तो कोई भूत हमारे अचानक से सामने तो नहीं आएगा। इसमें भी है, इसमें जंप स्केयर एक छोटा सा माइनर सा जंप स्केयर है जो कि भूत को दिखाते हुए बाप के पीछे दिखाते हुए दिखता है, बट वो भी मतलब ऐसा दिखाया गया है जैसे कि वो इट वाज नॉट सपोज टू बी ए जंप स्केयर। अब देखो, प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, तो देखो अगर एक हॉरर डायरेक्टर अगर ये सोचता है, मतलब उसको लोगों को डराने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्टोरी टेलिंग हो जाती है, तब वहाँ पर प्रॉब्लम आती है और मूवीज़ हमको ज़्यादा डरावने देखने को नहीं मिलते, जो कि आजकल के सारे मूवीज़ के हॉरर मूवीज़ के केस हो गए हैं। डायरेक्टर हमको स्टोरी टेलिंग दिखाना चाहता है, ना कि हमको डराना चाहता है, डरावने इफेक्ट पे पैसे लगाना चाहता है, डरावने विजुअल्स पे पैसे लगाना चाहता है, वो बस हमको एक डरावना स्टोरी दिखाना चाहता है, एक इविल कैरेक्टर का इविल स्पिरिट का स्टोरी टेलिंग देखने को मिलता है, जो कि इस मूवी के साथ भी हुआ है। इसमें वो बाप जो कि अपनी बीवी को खोने के वजह से
एक नॉन बिलीवर बन गया था, वो एक बिलीवर में बदल जाता है और बिलीव करना स्टार्ट कर देता है। तो इस मूवी का जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करता है, एंड दिस इज ए फन मूवी टू वॉच। आप अपने घर के छोटे छोटे बच्चे को लेके जाओ, उनकी गांड फाड़ो छोड़ो।